आओ सीखे अब्दुल बारी के संग। तोड़ गए हमारे शहजादे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम आका। आज भी तुमने मुझे नहीं उठाए। मैंने दो बार आवाज दी थी, तुम नहीं उठे तो अम्मी ने कहा कि तुम्हें सोने दूँ। मुझे फजर की नमाज पढ़नी थी। अरे कोई बात नहीं, अभी तुम पर नमाज फर्ज नहीं हुआ। आपा मैं बड़ा हो चुका हूँ तो क्या नमाज फर्ज नहीं? अब्दुल बारी अभी तुम सिर्फ 4 साल के हो, ये अच्छी बात है कि तुम नमाज पढ़ो, लेकिन अभी फर्ज नहीं हुआ। आपा फर्ज हो जाने पर क्या होता है? फर्ज मतलब कोई भी काम लाजमी हो जाना, जिसके ना करने से अल्लाह सुभान व तआला सवाल करेंगे। अच्छा तो हम सवालों का जवाब कैसे देंगे? अल्लाह हम पर रहम करे और हमें तौफीक दे कि आखिरत में हमसे कोई सवाल ना हो, इसलिए हमेशा अच्छे काम करो और बुराई से रुक जाओ। इसीलिए तो मैं फजर पढ़ूंगा ताकि अल्लाह सुभान व तआला मुझसे नमाज के बारे में सवाल ना कर ले। नहीं अब्दुल बारी, अल्लाह सुभान व तआला बच्चों को नमाज के लिए सवाल नहीं करेंगे। मैंने एक किताब में पढ़ी थी, जब बच्चे 7 साल के हो जाए तो उन्हें नमाज पढ़ने की आदत लगाए, लेकिन जोर और जबरन नहीं। तो 7 साल से नमाज फर्ज होगी? नहीं, हम पर कोई भी चीज उस वक्त फर्ज होगी जब हम बड़े हो जाए और सही और गलत की पहचान हो जाए। वो तो मुझे पता है, देखो झूठ बोलना, चोरी करना, एग्जाम में कॉपी करना, खेलने में चीटिंग करना, माँ बाप की बातों को ना मानना, ये सब गलत और बुरे काम है। और सच बोलना, बुराई से बचना, गरीबों की मदद करना, जानवरों पर रहम करना और अम्मी अब्बा की बातों को मानना, उनसे अच्छी तरह मुस्कुराते बात करना, ये सब अच्छे और नेकी के काम है। अब बताओ मुझे सही और गलत नहीं पता क्या? अरे अब्दुल बारी तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन फर्ज के लिए एक उम्र होती है, जब हम बड़े हो जाए और अच्छी तरह शहूर आ जाए, और जब भी फर्ज हो जाएगा तो हमें अम्मी और अब्बा बता देंगे। अच्छा तो ठीक है, लेकिन आपा तुम मुझे फजर की नमाज के लिए उठाना, हम अभी से नमाज पढ़ेंगे तो हमारे नेकी और सवाब ज्यादा होंगे। अच्छा ठीक है, अब जल्दी स्कूल के लिए तैयार हो जाओ, लेट हो जाएंगे।